बिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह भूमिहार से हुआ है और बढ़िया से जानते हैं। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। चार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार तीन दिन चार दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिएगा कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रबंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रबंशी जी का वोट, आपका उम्मीदवार चार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार तीन दिन चार दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिएगा कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। ये कैसे बात चलेगा? मौलिक राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा, निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। जिसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाएगा, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा? तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे, ऐसे नेता की हम आवश्यकता नहीं है। हमको वैसे कार्यकर्ता चाहिए, वैसे नेता चाहिए जो सुख और दुख सब में नीतीश जी के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह भूमिहार से हुआ है और बढ़िया से जानते हैं। इसीलिए राजनीति जब करना है राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानी तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता दिल्ली मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।